आजकल बच्चे देश विदेश पढ़ रहे हैं, तो जो हमारी एक कल्चर थी, जॉइंट फैमिली थी, कि भगवान होते, घर में बड़े होते, एक ही बात समझाते, समझ में आती. अब बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो बहुत सारे किताबें पढ़ते हैं मोटी मोटी, उसमें लिखा होता है ये साइंस है, ये ऐसा है, भगवान है कि भगवान नहीं है. तो फिर वही बात आ गई कि आप क्या जवाब दो, भगवान है या नहीं है. ये विश्वास जो है इसको साइंस में कैसे ट्रांसलेट करें? ईश्वर की सत्ता को जानने के लिए हमें यह सोचना होगा कि इस ब्रह्मांड का कोई भी, हमारे सामने ये कुर्सी है, ये है, इसको देख के हम जरूर ये सोचेंगे कि इसका कोई ना कोई निर्माण करने वाला है, स्वयं यह नहीं हो सकता है. इसी तरह से सूर्य, चंद्र, सितारे, धरती, आकाश, हवा, पानी, इन सब को देख करके हमें किसी न किसी की कल्पना अवश्य करनी पड़ती है, और उसी को हम क्रिएटर के रूप में कहेंगे. जब कोई इसका सृष्टा है तो फिर सूर्य ठीक समय से उदय होते हैं. वह अगर एक सेकंड पर डे देर से आने लग जाए तो एक महीने में 30 सेकंड का अंतर आएगा, पूरे वर्ष में 360 सेकंड का अंतर आ जाएगा. 360 सेकंड का मतलब है 6 मिनट का अंतर आ गया, और शायद 100 साल में 600 मिनट का अंतर आ जाए तो व्यतिक्रम हो जाएगा. कोई न कोई ऑपरेटर है, उसी को हम ईश्वर का नाम देते हैं. बच्चे बोलते हैं साइंस है, बिग बैंग था, एक्सप्लोजन हुआ, और जैसे वो भी कहते हैं कि ईश्वर को गॉड, उसमें तीन है, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर. उसकी व्याख्या, कोई सृष्टा है, कोई उसका पालन करता है, और कोई संहारक है. किसी भी चीज़ की स्वयं उत्पत्ति असंभव है, स्वयं कभी कुछ भी नहीं हुआ है, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं. हम पहाड़ों में कोयला भी पाते हैं, हीरा भी पाते हैं, और वह कोयला किन्हीं किन्हीं पदार्थों से मिल करके ठीक अनुकूलता जब मिल जाती है तब वह हीरा बनता है. तो उन पदार्थों के मिश्रण से भले ही हीरा की कल्पना है, लेकिन उनमें जो पदार्थ प्रति पदार्थ है वह स्वयं निर्माण नहीं होता है, उसका संचालक कोई न कोई है. उसे अपने अपने धर्म के हिसाब से कोई गॉड कहेगा, कोई ईश्वर कहेगा, और कोई अल्लाह कहेगा. हमें उसे स्वीकारना होगा. हम शायद अपने परदादा को या परदादा के परदादा को नहीं देखे हैं, फिर भी हमारे माता पिता या हमारे दादाजी हमें बताते हैं कि फलाने नाम के हमारे दादाजी थे. न जानते हुए भी, न देखे हुए भी, हम उनके बताए अनुसार उस पर विश्वास करना होता है. ठीक इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड का कोई न कोई संचालक है, और उसे ही हम ईश्वर का नाम देते हैं. अपने अपने धर्मानुसार उसके नाम हैं और उसकी परिकल्पना करते हैं.